बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझसे काफ़ी दोस्तों स्टूडेंट्स ने रब्ता किया और उन्होंने ये कहा कि आप हमें पीपीएससी या एफपीएससी का जो वन पेपर होता है उसके एमसीक्यूज के हवाले से कोई बुक रिकमेंड कर दे। तो उस हवाले से मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। उस सीरीज़ में इंशाल्लाह मैं रोज़ाना एक वीडियो पोस्ट करूँगा जो कि जनरल नॉलेज के हवाले से होगी। उसमें इस तरह से होगा कि स्लाइड्स की फॉर्म में वो वीडियो होगी, आप उसे देखते जाएं और साथ साथ आप उसे याद करते जाएं। तो उससे आपके पीपीएससी एफपीएससी या जितने भी एनटीएस ओटीएस पीटीएस जितने भी आपके एमसीक्यूज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं या टेस्ट होते हैं वो आपके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा सीएसएस में भी 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं हर पेपर में, सवाए इंग्लिश ऐसे के, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं क्योंकि वो आपके कन्फर्म मार्क्स होते हैं अगर आपने ठीक ऑप्शन टिक की है। जबकि बाकी जो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है उसमें जो आपने अटैम्प्ट किया है उसमें चेकर का मूड भी बेस कर रहा होता है। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, आपकी अटैम्प्ट भी देखी जाती है, आपकी राइटिंग देखी जाती है, आपने लिखा किस तरह से, एनालिसिस किस तरह से किया है, वो सारी चीज़ें देख के आपके पेपर को एवेल्युएट किया जाता है। तो उसमें जो 20 नंबर के एमसीक्यूज हैं वो उस वाले से भी, ये जनरल नॉलेज की जो मैं सीरीज़ शुरू करने लगा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं रोज़ाना पोस्ट करूँगा, इसे आप रोज़ाना देखते जाएं और साथ साथ याद करते जाएं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दिसंबर तक ही आप बहुत कुछ जनरल नॉलेज एमसीक्यूज के हवाले से याद कर चुके होंगे और आपके पीपीएससी और एफपीएससी या जितने भी अदर एमसीक्यूज रिलेटेड टेस्ट हैं वो आप आसानी से क्लियर कर जाएंगे। तो इसमें मेरे पास मटेरियल काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो क्रीम नॉलेज है, वो इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा और वो स्लाइड्स की फॉर्म में होगी, उसे आपने साथ साथ याद करना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ें और याद करना शुरू करें।